अवैध संबंध में एक विधवा की गई जान। नमस्कार, दैनिक लाइव न्यूज 24 से मैं संजय शर्मा। प्रेस विज्ञप्ति, झाझा के एसडीपीओ राजेश कुमार ने जानकारी दी कि चकाई के महेशा पत्थर से एक विधवा की लाश मिली है। उस सुशीला मरांडी की हत्या उसके पूर्व प्रेमी राजेश बेसरा और राजेश बेसरा की पत्नी मीना मरांडी दोनों ने मिलकर की है। दोनों पति पत्नी सुशीला मरांडी के घर गए, खाना खाए, साथ में रहे और आधी रात में उसे किसी तरह बहला फुसला के घर से बाहर ला करके गला दबा दिया। गला दबाने के बाद पत्थरों से कुचला और कुचल करके उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। चकाई पुलिस और उसकी टीम ने संयुक्त छापेमारी कर दोनों को पकड़ा और इस मामले का उद्भेदन किया। देखिए मेरी खास रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 3/10/23 को करीब 5:30 बजे सूचना मिली कि चकाई थाना अंतर्गत ग्राम महेशा पत्थर के पूर्व में करीब 500 मीटर की दूरी पर एक डोरसा कोला बहियार के झाड़ी में एक अज्ञात महिला का शव देखा हुआ मिला। सूचना के बाद चकाई थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के द्वारा शव को अपने कब्जों में लेकर किया गया तथा उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम में के उपरांत मृतिका जो सुशीला मरांडी की पुत्री है सोनी हेम्ब्रम, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया जिस पर FIR दर्ज किया गया। फिर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित किया गया और गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी जो अभियुक्त हैं राजेश बेसरा की पत्नी मीना मरांडी साकिन महेशा पत्थर थाना चकाई जिला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जो अभियुक्त हैं मीना मरांडी, उन्होंने अपने स्वर्गीय बयान में बताया कि उनकी शादी 25/7/23 को राजेश बेसरा से हुई थी। शादी के 15 दिन के बाद सुशीला मरांडी पति सोनूलाल हेम्ब्रम ने फोन कर मीना मरांडी को बताया था कि राजेश बेसरा से मृतिका का पूर्व से भी अवैध संबंध चल रहा है तथा वो पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। उसके बाद ग्राम तारखर को कि अपनी ननिया जो सास है गिन्नी मुर्मू, पति सोनामन मरांडी के कहने पर उन्हें ग्राम भंगवा के एक गुरु से अपने पति के साथ मिली। गुरु के द्वारा बताया गया कि सुशीला मरांडी को मारकर रास्ते से हटाने में ही कल्याण हो सकता है। उसके बाद मीना मरांडी एवं उसके पति योजना बनाकर दिनांक 2/10/23 को रात्रि में मृतिका सुशीला मरांडी के घर पर जाकर रुके एवं खा पीकर रात्रि में उसके एक कमरे में मृतिका मीना मरांडी एवं राजेश हेम्ब्रम सो गए। दूसरे कमरे में मृतिका की पुत्री सोनी मरांडी एवं अन्य लोग सोए हुए थे। रात्रि में योजना अनुसार मीना मरांडी शौच करने घर से निकली। उसके बाद राजेश मेसरा भी सुशील मरांडी को विश्वास में लेकर घर से बाहर निकला कि आज मीना मरांडी को ठिकाने लगा देना है। उस विश्वास पर सुशीला मरांडी सड़क से करीब 500 मीटर पूर्व बहियार में राजेश बेसरा के साथ आ गई और योजनानुसार राजेश बेसरा और उसकी पत्नी मीना मरांडी ने सुशीला मरांडी को जमीन पर पटक कर गला दबाकर तथा चेहरे एवं कनपट्टी पर पत्थर से मारकर हत्या कर दी तथा शव को झाड़ी में छुपाकर भाग गए। जो प्राथमिक अभियुक्त है मीना मरांडी को गिरफ्त कर न्यायिक अभिषेक में भेजा जा रहा है और शेष अभियुक्त जो है उनको गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। सर, इसमें फिलहाल फरार है। हाँ, ठीक है, उसके लिए हम लोग अभी छापामारी। हो गया।